भारतीय रेल यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए सदैव तत्पर है। इसी कड़ी में भारतीय रेल ने ट्रेन संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को ईजाद किया है, जो एक स्वदेशी तकनीक है। कवच एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो रेड सिग्नल होने पर रेल को गुजरने नहीं देगा। ओवर स्पीड से रेल चलाने पर भी ये अंकुश लगाएगा और ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर को ये रोकेगा, क्योंकि ये पहले ही पता लगा लेगा कि पटरी पर कोई ट्रेन आ तो नहीं रही है। इसमें RFID रेलगाड़ी की स्थिति को अपडेट करेगा। ये सिस्टम माइक्रो प्रोसेसिंग, GPS और रेडियो कम्युनिकेशन पर काम करता है। वहीं ये कवच SIL4 सर्टिफाइड है, जो सुरक्षा सर्टिफिकेशन का सबसे ऊंचा स्तर है। 4 मार्च 2022 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में लिंगमपल्ली विकाराबाद सेक्शन पर भारतीय रेल द्वारा कवच सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान 2 ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया और एक ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक रुक गई। इस दौरान एक ट्रेन में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव स्वयं मौजूद थे। एक आम मानवी के लिए, साधारण पैसेंजर के लिए, हर पैसेंजर के लिए इससे सुरक्षा बहुत ही मात्रा में बढ़ेगी। मैं रास्ते में ड्राइवर से भी बात कर रहा था। ड्राइवर साहब का कहना है कि इसके कवच के आने से हमारे सुरक्षा कई गुने बढ़ जाती है। 2022 के आम बजट में आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना बनाई है। भारतीय रेल के कवच से ट्रेन कोलिजन की संभावना ना के बराबर की होगी, जिससे रेल यात्रा बनेगी और भी सुरक्षित।